हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उदास है। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। ये एक इंडियन भाई हमारे यात्री डॉक्टर, इनका बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि इनकी वीडियो पर हैक करो। तो ये पाकिस्तान आए हुए हैं, तो आज इनकी जर्नी होने लगी है पाकिस्तान की ट्रेन में। पहली जर्नी मतलब ट्रेन जर्नी होनी है इस्लामाबाद, लाहौर टू इस्लामाबाद तक। तो कैसी जर्नी होने लगी देखते हैं। इनका फर्स्ट व्लॉग हम देख रहे हैं। इनको मैं 2018-19 में देखता था, जब ये नॉर्थ कोरिया भी गए थे और बहुत सी भाई जगहों पे गए थे। सच बताऊं, मैं पहली बार देख रहा हूं। तो बिना किसी देरी के यात्री डॉक्टर भाई का ये वीडियो देखने लगे हैं, कैसा इनकी जर्नी रही है पाकिस्तान में। और वेलकम यात्री डॉक्टर भाई पाकिस्तान में। तो स्टार्ट। लो भाई, आज पूरे 7वां दिन हो गया हमको लाहौर में आए हुए। 21 को आ गए थे, 27 हो चुकी, 7 दिन हो चुके। आज हमने कर ली पैकिंग शेकिंग। अब हम 3 या 4 दिनों के लिए इस्लामाबाद साइड जा रहे हैं, और इस्लामाबाद पंजाब साइड वगैरह जाएंगे वहाँ पे। तो उसके 3 दिनों के कपड़े मैंने तो वकास भाई के बैग में ही डाल दिए हैं। चलो आ जाओ, तो टिकट वकास भाई सुबह सुबह लेके आ गए, वो सब मैंने चला दिया। लेट्स गो। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में। 7 दिनों के बाद हम फाइनली लाहौर को छोड़ के जा रहे हैं, पर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं आएंगे। हम दोबारा आएंगे, 3-4 दिन बाद वापस से आएंगे लाहौर ही। और अभी यहाँ से हमने वकास भाई से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई हमको ट्रेन का सफर करना है। तो ट्रेन ऐसा है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया में ना काफी अच्छी कनेक्टिविटी है, पर वकास भाई ने बोला यार बसेस यहाँ पे ज्यादा अच्छे। पर हमने बोला नहीं, बस नहीं, अच्छी बस दिखाई है, पर हमको ट्रेन जरूर देखनी है भाई, पाकिस्तान की ट्रेन में क्या सफर होता है। और कई मैंने ट्रेन की रील्स भी देखी थी, सीटों पे टीवी लगा हुआ है और कई डाइनिंग क्लास वगैरह, काफी लग्जरी ट्रेन की है, नॉर्मल ट्रेन की है। आज देखते हैं भाई हम कौन सी वाली ट्रेन से जा रहे हैं। और यहाँ से हम जाएंगे लाहौर से रावलपिंडी के लिए। ट्रेन हमने बुक ऑलरेडी कर दिया, वकास भाई सुबह सुबह जाके टिकट लेके आ गए हैं। वो सब वहीं पे जाके लाहौर स्टेशन बता दूंगा। और आप देखो आज हमारा सफर रावलपिंडी का। ये हम आ गए लाहौर के एक और एरिया में जिसका नाम है बाहरिया टाउन। तो ये मतलब काफी ज्यादा डेवलप कर रखा है, वैसे भी अच्छा हैवी किस्म का बना हुआ है। यहां पे काफी फिल्टर भी, वो भी दिखाऊंगा। पर अभी हम आए शुरू में खाना खाने, बहुत महंगी जगह है, बहुत महंगी जगह है आपकी। और आज हमको लेके हैं अली भाई, ये अपने सब्सक्राइबर, ये इमरान भाई के जानकार हैं। तो उन्होंने बताया था कि इनको आना है, तो वकास भाई ने कोऑर्डिनेट करके आज ही आए हैं। लोगों ने बहुत शुरू डाल रखा था भाई इनको, जो लाहौर के डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे लेके जाओ, दोनों दिखा दिए, वो दोनों दिखा दिए, राया भी आपको दिखा दिया, और बहरिया में भी ले आए हैं, दोनों देख लिए, दोनों देख लिए, दोनों देख लिए। और आप भी देख लो भाई। चलो आपको मेन्यू दिखा दूँ आज। ये वैसे तो पाकिस्तान में हम पर चाइनीज फूड खाने आ गए, तो यहाँ पे सूप स्टार्टर वगैरह है। चिकन का सर ने रिकमेंड करा है, चिकन चिल्ली ड्राई, इसके साथ एग फ्राइड राइस के साथ मतलब खाना। और एक कुंग पाओ चिकन में, इसलिए मैं सोच रहा था ये खा लूँ, क्योंकि ये वो है पांडा एक्सप्रेस जो अमेरिका में खाते हैं ना, शायद वैसा मिले हमारा। कुंग फू चिकन कहते हैं उसको, कुंग फू पांडा चिकन। तो ये बीफ भी है, पर बीफ आप बता रहे हो कि पाकिस्तान में लोग कम प्रेफर करते हैं, बहुत कम प्रेफर करते हैं, बहुत कम चिकन और मटन। और ये देखो फिश एंड प्रॉन्स, तो देखते कैसा क्या पार्ट है जिसमें ज्यादा वो खाते भी हैं, वो केपी के का ऊपर बहुत ज्यादा वो बीफ का, मोस्टली लोग पुलाव हां केपी के साइड ज्यादा पर बीफ का इस्तेमाल ज्यादा। ये मैंने पहली बार देखा सिंगल प्लेट एक बंदे के लिए खाना, ठीक है। अगर आप फैमिली सर्विंग 3-4 बंदे हैं तो सेम ही मेन्यू है, रेट थोड़ा ही ज्यादा है, बस 300 रुपए ज्यादा है। और ये 3-4 लोग खा लेंगे, और वो एक ही बंदा खा पाएगा है 900 रुपए में, एक बंदा खाएगा 1300 में 3-4 बंदे। अच्छा तो मतलब फैमिली वाला ले ले, अपना खा ले, साथ वालों को पैक करा ले। तो चलो खाते हैं। ये आ गया अपना चिली चिकन ड्राई, वो भी चिली चिकन, ये कौन सा है, कोक चिकन, रेड कोक चिकन, ठीक है आधा आधा कर लेंगे। बाजी के भी नूडल्स हैं इसी तरह दोस्तों। हमको थोड़ी गर्मी सी लग रही थी, तो हमने सोचा पेरिस आ जाते हैं, आईफिल टावर, तो ये आ गए हम आईफिल टावर पे। और ये उसमें ना क्या करें हम, हमारे पास देखो अगर ऊपर से ना देखो बिल्कुल नीचे नीचे देखो, वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल सेम लग रही है यार। मैं बताऊं इसकी हाइट भी यार, मेरे को तो उतनी सी लग रही है। कितनी है, कितनी हाइट है इसकी, अभी सर्च कर लेता। नहीं बाजी, नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा थोड़ी बार बताई, मैं अभी सर्च करके बता देता हूं, रुको। हाँ दोनों की सर, बाजी की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, आंखों से माप देते हो। हाँ तो या तो पेरिस वाला ज्यादा छोटा लग, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एरिया छोटा है और टावर बड़ा, इसलिए बड़ा लग रहा होगा मेरे को। पेरिस थोड़ा मतलब खुला डोला है, तो टावर छोटा लगता है। पेरिस वाली की हाइट है 330 मीटर, इसकी है 80 मीटर, फिर भी यार बहुत बड़ा बना दिया। तो भाई यहाँ पे आईफिल टावर के ऊपर जाने की टिकट भी हमें, भाई पेरिस वाले के ऊपर नहीं गया था उस टाइम, क्योंकि हमारे पास टिकट नहीं थी। और आपने देख लिया था क्या हुआ था, तो थर्ड फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर वाला होगा, थर्ड फ्लोर ऊपर वाला सस्ती पड़ गई ना, $1 में ऊपर पहुंच जाएंगे, 30 लगते हैं। 100 की नहीं है, 100 की टिकट थी, अरे वो अर्जेंट में लेनी है। अब पेरिस वाले में से तो यहीं से लिफ्ट निकाल रखी है, और यहीं से सीढ़ियां भी हैं। तो पाजी बता रहे चंडीगढ़ में भी है, पाजी चंडीगढ़ वाले से बड़ा है या छोटा है? उससे तो बहुत बड़ा है, वो 20-30 मीटर का है क्या? तो 20-30 होगा, 20 होगा, फिर भी बहुत बड़ा रेप्लिका बना लिया।
सही बनाया ये जो बीच में से लिफ्ट निकाली है ना, इससे थोड़ा सा दूर से अजीब लगता है क्योंकि वो असली वाले में है नहीं ऐसे लिफ्ट, तो पैरों में से जाती है। चलो टिकट ले ली 300 रुपए पर पर्सन। यार ये खतरनाक कर रखा है लिफ्ट में, स्प्लिट एसी लगा रखा है और एसी साथ साथ ही जा रहा है लिफ्ट के। अच्छा इसके ऊपर ही आउटर पड़ा जो है पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट भी था पर अब बंद हो गया। और वो मॉस्क है लाहौर की सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क, और यहाँ पे बनने लग रहा गोला गोला, यहाँ से पूरा देख सकते हो कमाल पोश एरिया भाई। अभी ना ये जैसे हम यहाँ पे घूम रहे हैं ना, तो ये हिलने लग रहा है, उसके साथ साथ थोड़ी टावरी हिलती भी है, तो थोड़ा ऐसे विश्वास सा कम आ रहा है कि नकली आईफिल टावर है, शायद अभी भी बनी होगी। हो जाता है ना कि भाई नई नई चीज है, पता नहीं क्या हो जाए। चलो अभी लिफ्ट आएगी तो हम इसी बारे में नीचे चल लेंगे। ये आप पूरा देख सकते हो, उस तरफ तो पूरे गाँव में लाहौर के काफी बाहर आ गए हैं। ये एक तरह से कहते हैं नया सेक्टर हो तो वो है, जैसे होता हो ऐसे गुड़गांव कई साल पहले, 10-15 साल पहले, जहाँ पे नए नए सेक्टर बने हुए। तो ये देख लो आप पूरा नजारा है। ट्रेन का टाइम था शाम के 3:30 जाने में भी टाइम लगेगा, तो चलते हैं वापस रेलवे स्टेशन की तरफ। अभी ट्रेन ये पहुंच गए एंट्री की पर्ची कटानी है, पहुंच गए 4:10 हो गए भाई वहां से आने में, टाइम लग गया 4:30 की ट्रेन भाई। ये आ गए लाहौर के रेलवे स्टेशन पे। पाकिस्तान में काफी सारी ट्रेन चलती है, एक नई ट्रेन लॉन्च हुई है ग्रीन लाइन करके, वो सबसे ज्यादा फेमस है। सिडनी वंदे भारत है ना, वैसी इसी अंदर से बना रखी है, पर उसकी टिकट भाई सोल्ड आउट चल रही थी, हमको मिली नहीं वो वाली टिकट, मतलब कहानी पड़ती है 2-3 दिन पहले। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जो सी भी लोकल ट्रेन मिलेगी वो हम ले लेते हैं, लोकल इन द सेंस जो मतलब हमारी नॉर्मल ट्रेनें चलती है, फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी, स्लीपर, वो हमने ट्रेन ले ली। टिकट बकास भाई सुबह ले आए थे। चलो 4:30 की ट्रेन है, ये रेलवे स्टेशन है। बकास भाई आप स्टेशन पे आके लेके गए थे टिकट? ये मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगा रखी है, ये फिर से नाम भूल गया, क्या नाम था भूल गया मैं नाम, यही वाली ट्रेन हमारी लगी हुई है वो कह रहे हैं। अब इसमें डिब्बा विब्बा नंबर देखना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है डिब्बा नंबर? AC 08, ये रहा कोच नंबर 08। चलो भाई चलो, हमारी टिकट की कॉस्ट मैं एक बार आपको बता दूं, 1750 पाकिस्तानी रुपए पर पर्सन। हाँ जी, तो मतलब ये मान लो लगभग 550 रुपए इंडिया, पता नहीं यार कहाँ लगी होगी, 3-4 किलोमीटर की जर्नी। 08 ये बिजनेस क्लास, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा रावल, ओ ये तो चल पड़ी, थोड़ा थोड़ा सरकाते रहते हैं इंडिया में, रहते हैं लोगों को। ये 7वां है, 7 लिखा है, और ये रही पार्लर कार सुपर डीलक्स। अच्छा ठीक है, हाँ वैसी भी हो सकती है। चलो तो वकास भाई बिजनेस क्लास सीट नहीं मिली, बहुत ट्राई किया, फुल थी, बड़ी फुल लोगों ने की है। भाई यहाँ पे लिखा है लाहौर रावलपिंडी लाहौर, कुछ ऐसा ही बताया, या फिर रावलपिंडी लाहौर रावलपिंडी, मेरे पास पढ़ने में नहीं आ रहा। तो ये अपना एसी स्टैंडर्ड वाला है, ये मेरे को लग रहा है सबसे लोअर क्लास होगी पूरे ट्रेन में, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्या पता इससे भी ज्यादा लोअर है, पता नहीं है, इसकी 1750 की टिकट है। चलो भाई चलते अंदर, चलो सबसे लोअर में एसी नहीं होता, आप समझ गए सिक्स हो गया, मैं फिक्स हो गया, रेलवे की किराया थोड़ा ज्यादा बसेस से कम पड़ता है। हां चलो 10 मिनट बचे ट्रेन निकलने में, पकड़ते हैं सीट अपनी। ये भाई चढ़ गया ट्रेन में, भाई हाँ मैंने सही आइडिया लगाया, इससे नीचे डिब्बा होगा जिसमें एसी नहीं होगा, पर इसमें एसी है ठीक है, और ऊपर बैग रखने का यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स हैं, और तीनों ऐसे बैठे हैं यहाँ पे ठीक है। वैसे तो मैंने लाहौर का रेलवे स्टेशन पिछली आपको वीडियो में दिखा दिया ना, पर ये ट्रेन की डेडिकेटेड वीडियो है तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो भाई पूरा पुराने टाइप में स्टेशन अभी भी बना हुआ है, 2 नंबर और 4 नंबर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे इन्होंने 99 नेम्स अलग लिख रखे हैं, इस तरफ शायद 48 होंगे या उस तरफ 49 होंगे, उस तरफ भी सेम बना के ट्रेन खड़ी आपको दिख नहीं रहा होगा, इस तरफ 1 नंबर प्लेटफॉर्म उस तरफ है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म ये, इसके साइड में 4 नंबर और 3 नंबर फिर आगे है, तो ऐसा डिजाइन बना रखा है बिल्कुल पुराना और प्रिजर्व कर रखा है इन्होंने, और भी प्लेटफॉर्म है इस साइड वो भी ट्रेन खड़ी तो हम दिखा नहीं पाए, और उस साइड जाना था आपको वो ब्रिज पार करना पड़ेगा, 3-4 मिनट बचे हैं चलने में, अंदर चलते हैं। लो भाई ट्रेन चल चुकी है, धीरे धीरे चल रही है, अभी तो उतर गई। चलो भाई ये ट्रेन चल चुकी है और अभी तक निकली नहीं है, आराम आराम से निकलेगी,
यहाँ से रावलपिंडी का सफर हमारा लगभग पड़ेगा 320 किलोमीटर और हमको पाँच घंटे में 320 यार स्टेशन घुमा ही नहीं पाया क्योंकि टाइम सही नहीं था, हम लेट हो गए, ये निकल गए। अभी तो चढ़ सकते हैं, अभी तो उतर चढ़ सकते हैं, अभी तो स्पीड है ही नहीं कुछ भी। लो भाई स्टेशन से कर दिया हमने एग्जिट, ये आखिरी डिब्बा है हमारे वाला, आखिरी है पैसेंजर के लिए। काफी सारे अलग अलग टाइप की कोचेज है यार, बिजनेस क्लास, पार्लर क्लास, नॉन एसी, फुल टाइम पे चलिए, बिल्कुल 4:30 बजे टाइम पे पहुंचाती है उनका नाम भाई। पाकिस्तान में ट्रेन चलते हैं, ग्रीन लाइन की अलग ट्रेन चलती ज्यादा है, कई बार स्मूथ हो जाएगी फिर 5 किलोमीटर बाद फिर ऐसे तो शायद डिब्बे पुराने हैं इसलिए ऐसा है, क्योंकि यार यहाँ पे ना ट्रेन की डिमांड काफी कम है, मतलब वैसे तो आपको फुल दिख रही होगी पर ज्यादातर लोग ना बस की तरफ झुकाव है या फिर मोटरवे काफी अच्छे बने हुए इनके एक्सप्रेस में, मोटरवे बहुत अच्छे जाते हैं पर ज्यादातर लोगों का बस की तरफ ज्यादा झुकाव है क्योंकि ट्रेन लेट वगैरह हो जाते हैं ना, तो ये लोग विश्वास नहीं करते कि ट्रेन से हम ट्रेवल करें, तो काफी मतलब जो पटरियां वगैरह बंद भी कर दी हैं, पर अभी कराची तक तो फुल सर्विस है, इस्लामाबाद से कराची या फिर पेशावर या फिर क्वेटा जाना है तो पूरी सर्विस है, पर कम करते जा रहे हैं अभी थोड़ा, शायद बढ़ाई है इन्होंने, नई वाली ट्रेन लाए हैं तो टाइम मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा ही है ना भाई, बस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है ना, फिर भी बस को मिलती है, रीजन है कि ट्रेन पे मैंने भी बड़े टाइम के पास अपनी है। हां जी 2007 में मैंने किया था। अच्छा 17 साल बाद भाई ट्रेन में सफर कर रहे हैं। काफी साल तो अभी ये है कि जैसे हमें इस्लामाबाद जाना है, हाँ अभी ये तकरीबन मेरे ख्याल में बिल्कुल पैरेलल चल रही है इसलिए ना जीटी रोड के साथ, जीटी रोड से अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो वो 290-295 किलोमीटर बनता है और मोटरवे से जाते हैं तो वो लगभग बनता है 370-380 के लगभग, गाड़ी से आप 4 घंटे में पहुंच जाते हैं आराम से, 4 घंटे में आधा घंटा आप ब्रेक लगाओ 4:30 घंटे में इस्लामाबाद आराम से पहुंचे। लोग ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए बस को देते हैं, मेरा ख्याल एक सिमिलर फेयर आता है, सिमिलर फेयर अच्छा और थोड़ी सीट उसकी कंफर्टेबल रहती है। अच्छा और ये जो आप बता रहे हो थोड़ा जुला वो कम होता है, थोड़ा कम होता है वो आ गए भाई अपने टीटी साहब, ब्लैक एंड व्हाइट जैसे वो जैसे जैसी है इनकी यूनिफॉर्म ऐसी है, पाकिस्तान का ब्लैक लगा रखा है डिश पूरी ले रखी हाथ में, तो ये इनके टीटी साहब है, ये रिफ्लेक्शन ही आ रही है यहाँ पे वरना मस्त बाहर के नजारे दिखाता, अभी गुजरांवाला शहर आने वाला है। ये आ गया गुजरांवाला का शहर और यहाँ पे ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 5:27, लगभग उसी टाइम पे पहुंचेगी, अभी 5:24 हो रहे हैं और 2-3 मिनट में पहुंची जाएगी। ये आ गया गुजरांवाला का स्टेशन, पीछे एक स्टेशन और आया था गुजरांवाला सिटी, चलो चलने का 1-2 मिनट ही रुकेगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे भाई ट्रेन 5:27 अभी 26 ही हुए हैं, तो ये बात है कि इस्लामाबाद टाइम पे पहुंची नहीं पहुंची ये देखने को मिलेगा। तो इसमें टोटल बीच में आएंगे 7 स्टेशन, गुजरांवाला आएगा, वजीराबाद, फिर आएगा गुजरात, तो गुजरात के बाद इन्होंने कहा शायद इस कोच से हमको शिफ्ट कर देंगे दूसरे वाले कोच में, वो बकात भाई ने थोड़ी रिक्वेस्ट कर दिया हमको लेके कि भाई ये वीडियो बनाने आए अच्छे वाले में बैठा, हमको टिकट नहीं मिली थी तो बोले भाई गुजरात से ट्रेन काफी रश है फिर बंदे उतर जाएंगे तो गुजरात में आपको पार्लर क्लास में शिफ्ट कर देंगे, तो हमने कहा मान लेते ये भी सही था कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही तो सभी है यार, हम तो बिना एसी के भी चले जाते, हमको दिखाना है कि कैसी ट्रेन है, तो देखो भाई ये अभी रात की हो जाएगी यार, इसके बाद तो शायद मैं आपको इस्लामाबाद ही दिखा पाऊँ और जो मेन स्टेशन है उसमें उतर के आपको जरूर दिखाऊंगा भाई। वजीराबाद स्टेशन आया था, नीचे तो नहीं उतरे क्योंकि यहाँ पे स्टेशन है हमारे पास आ गया, चाय लेके आया था सर वकास भाई के दोस्त, खाने पीने का और 3 चाय, 1-2 मिनट रुकेगी तो वो भी चले गए भाई। ये पहुंच गए गुजरात स्टेशन पे और यहाँ पे हमारा डिब्बा चेंज हो गया, किसी वकास भाई थोड़ी रिक्वेस्ट करी तो पार्लर कार में आ गए हम, ये वाली पार्लर कार है, अंदर से दिखाता हूँ फ्लैश लाइट ऑफ करके आपको। अभी गुजरात स्टेशन पे हमको D123 पे बैठने के लिए बोला था बट उसी पे भी कोई बैठ रखा है, वो टीटी आएगा तो देख लेंगे, तो स्पेस भी ज्यादा है भाई कि दो दो की सीट है, थोड़ी महंगी टिकट होगी इसकी पर ये फुल चल रही है, हमारी वाली थोड़ी खाली थी। अब यहाँ पे भी पंखे हैं पर लोगों ने ऑफर रखा, लाइटिंग अच्छी है यहाँ पे और फिर यहाँ पे डस्टबिन भी है, यहाँ पे पैर रखने का भी है और सीट थोड़ी चौड़ी है, यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या चलता नहीं होगा, ये रिक्लाइन करने के लिए भाई सीट वो नहीं दिख रही, पहले से निकलाएंगे पता नहीं, तो ये है पार्लर का। ये पहुंच गए भाई झेलम स्टेशन, झेलम ये ट्रेन का थर्ड लास्ट स्टॉप, इसके बाद स्टॉप आएगा चकलाला और उसके बाद आएगा रावलपिंडी, मतलब चकलाला बिल्कुल रावलपिंडी के अंदर ही है और 2 मिनट ही रुकती है ट्रेन झेलम स्टेशन पे। ये भी ट्रेन चल रही है लगभग 25 मिनट लेट आ रही है,
चल चुकी है ट्रेन लगभग 25 मिनट लेट है। लो निकल गए स्टेशन से, रात हो गई, दिन होता सोलह बजे आ जाता, दिन दो घंटे मिले थे चलते हुए, अगर वहां से 6:30 बजे चलते तो कुछ नहीं दिखता। चलो अब कुछ नहीं दिखेगा, अंदर चलते हैं। ये टॉयलेट है ट्रेन की, एवरेज साफ सफाई है, पानी देख लेते आ रहा है नहीं आ रहा, पानी भी आ रहा है, साबुन भी है, और मैं टॉयलेट दिखाऊंगा नहीं, कई लोग कहते हैं भाई खाना खाते खाते देख रहे हैं तुमको, मत दिखाओ, नहीं दिखाता। लो जी ये पहुंच रहे हैं हम रावलपिंडी रेलवे स्टेशन, और ट्रेन आई है, ये भी बहुत खूबसूरत, 16 मिनट ले रहा, 16 मिनट भाई कह रहे हैं अभी बिजनेस क्लास भी देख ही आते हैं, अभी पैसेंजर सारे उतर गए होंगे। ये अपने आ गए नासिर भाई, नासिर ढिल्लो साहब, सर पुलिस है भाई, कहना क्या हाइट है आपकी? नहीं ये तो 60। अच्छा पर मेरी 64 है। चलो आ जाओ। अरे बहुत अच्छा था ट्रेन का, आप कह रहे थे लेट हो जाती है, कहाँ लेट हुई है, 15 मिनट लेट हुई है बस। ये सच स्टेशन की पुलिस है, आ जाओ। ये बिजनेस क्लास है भाई, यहाँ पे 6 बंदों का लेटने वाला, मतलब ये थर्ड एसी और सेकंड एसी के बीच का सा आ गया, जैसे इसमें पर दरवाजा वगैरह सब दे रखा है। अच्छा तो वहाँ से लेट के भी आते हैं, आप कहते हैं लंबे रूट पे होगा लेटने का, मतलब नहीं है देखो इसमें भी है लेटने, ऐसे तो बैठ के चल रहा है सेंटर वाला है ना, सबने इंडिया में क्या रूल है कि दिन में आपको बैठ के जाना पड़ेगा, तो सेंटर वाला जिसकी सीट है ना वो बेचारे को बैठना ही पड़ेगा, अगर नीचे वाला कहेगा कि बैठना है मेरे को, हाँ अंडरस्टैंडिंग पे। चलो आ जाओ, ये आ गए पिंडी स्टेशन के बाहर, यहाँ के लोग पिंडी बोलते हैं, पूरा नाम है जी, बड़ा प्यारा स्टेशन रावलपिंडी है, कहाँ यहाँ ये दूसरा प्यारा स्टेशन है। अच्छा तो बहुत गंदे स्टेशन है, ये टिकट काउंटर है, परेशान हो गया बड़े बैग के साथ, मैंने क्या करना अपने कपड़े इसी में डाल दिए, मैं बैग लेके ही नहीं आया इस्लामाबाद। कोई बात नहीं, खुद ही कह रहे थे मेरे में डाल दो। चलो गाड़ी आ गई है, ठीक है चलो आ जाओ। ये है स्टेशन की भाई की बहुत शोर सही लगता है, गाड़ी हर जगह अवेलेबल है जो भाई के फ्रेंड्स हैं। लो भाई यहाँ पे आए हैं, इस्लामाबाद आ गए हम रावलपिंडी से, मतलब शहर इस्लामाबाद अलग ही, दो अलग अलग कह लो, चंडीगढ़ मोहाली की तरह सिस्टम है, कल मैं सारा समझाऊंगा, और अभी हम आए हैं खाना खाने, देखते हैं यार रेस्टोरेंट बड़ा ही बढ़िया बना रखा है, इधर रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं और बहुत महंगे हैं। ये हम जहाँ पे आए ना वो टर्किश रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे देख लो भाई हुमस की कई सारी वैरायटी आ गई, ये भी हुमस है, ये भी हुमस है, इसको पीता कहते हैं, वो फलाफल हो गया, ये बीच में फ्रूट है सारा, ये चिकन का है, ये क्या है, ये आ जाइए, ये ठीक है वो पिज्जा है, उसमें भी चिकन है, अच्छा ठीक है वो फ्राइड हो गई, तो पूरा प्लेटर आ जाए, पूरा प्लेट है, ये लगता है बनाया जा रहा है, ये पूरे एक वो लेकर आते हैं यार, खाना पीना चल रहा है, तो यार इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। यार मैं कह रहा हूँ भाई मजे का था यार, देखा जाए तो यार मैं सच बताऊँ ना, मेरे 7-8 साल हो गए, मैं एक दो दफे ट्रेन में बैठा हूँ, ऐसी ट्रेन मैंने नहीं देखी, बहुत प्यारी है यार, हम तो बहुत सक्यू ट्रेन में बैठे थे सच में यार, ये लेकिन बहुत प्यारी ट्रेन है यार, अगर देखा जाए, और लेकिन यार अब इंडिया की तो बहुत अच्छी ट्रेन होती है, उनका एक स्टैंडर्ड अलग है, उस जैसी तो नहीं, पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छी थी, और भाई लोग फिर वो जो स्पेशली वो वाली बहुत अच्छी थी, वो जो सीटों वाली में बैठे हैं पार्लर जिसको बोल रहे थे वो थोड़ी खुली अच्छी थी, बाकी तो मतलब हिलजुलने वाली वो बड़ा वो खराब सिस्टम है, हिलती जुलती बहुत है लेकिन और अच्छा ओवरऑल था। तो यार भाई को भी वेलकम पाकिस्तान में यार, भाई बहुत खुशी हो रही है, मैं कहता हूँ इसी तरह ब्लॉगर्स आए जाएं, मजा बनता है, एक अपने एक दूसरे की कंट्री के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है ये भाई। अच्छी बात। तो आपके इसके ऊपर क्या कहना है, कैसी लगी, इनकी और भी वीडियो चाहिए हो तो लाजमी बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।